तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ D14G स्मार्टफोन, जो कि 4128 स्टोरेज 14,490 रुपये के अंदर आता है। और वहीं पर आपको IQ G6 लाइट 464 14,000 रुपये के प्राइस में आता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन में से देखेंगे कौन सा बेहतर है। T1 के अंदर आपको 44 वोल्ट चार्जर मिलता है और यहीं पर G6 लाइट के अंदर 18 वोल्ट का, और बैटरी बैकअप 5000 एमएच है। बॉक्स डिजाइन की बात करें तो IQ G6 लाइट का बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई, स्टाइलिश बॉक्स तरीके से आता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर बॉक्स एक्सेसरीज में देखते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट कवर की बात करें क्वालिटी की, तो दोनों की ही सेम देखने को मिलती है और काफ़ी हद तक डिज़ाइन में भी सेम है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन दोनों स्मार्टफोन में मिलते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन में टाइप सी यूएसबी डेटा केबल और सिम एग्जेटर टूल। अब आता है इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर आपको चार्जर एडेप्टर देखने को मिलता है T1 के अंदर 44 वोट का, और वहीं पर IQ G6 लाइट के अंदर आपको चार्जर एडेप्टर नहीं मिलेगा, ओनली डेटा केबल मिलेगी। तो ये IQ की तरफ से काफ़ी माइनस पॉइंट है कि भाई यहाँ पर चार्जर एडेप्टर ही देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन को निकालते हैं रैपर से बाहर, और इनके लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर है। बैक साइड के अंदर पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, लेकिन T1 के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। IQ के अंदर आपको डुअल कैमरा मिलता है, 50+2+2 मेगापिक्सल का T1 के अंदर कैमरा है और 50+2 मेगापिक्सल का IQ के अंदर। डिजाइन के अंदर आपको एज में मिलेगा T1 और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर देखने को मिलता है IQ। अगर यहीं पर फिजिकल और व्यू की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी लाइट वेट है। IQ में आपको साइड फिंगरप्रिंट मिलता है और T1 के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। राइट साइड के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड वॉल्यूम डाउन की नीचे की साइड में आपको दोनों ही के अंदर सेम होल देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो हाईएस्ट हल्की सी बड़ी देखने को मिलती है IQ के अंदर, 6.58 इंच की IPS LCD जिसमें 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, और वहीं पर T1 के अंदर 6.44 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है। तो गाइज अगर स्मूथनेस की बात करें तो दोनों में ही सेम चलने को है, क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज है IQ में और इसमें 60 हर्ट्ज है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें AMOLED आ जाती है, तो भाई काफी दोनों की स्मूथनेस है वो सेम ही देखने को मिलती है। T1 के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है 50+2+2 मेगापिक्सल, और IQ के अंदर डुअल रियर कैमरा 50+2 मेगापिक्सल। जो सेकंड कैमरा है वहाँ पे नीचे आपको डिजाइन देखने को मिलती है। T1 के ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो इसमें बेस्ट पॉइंट ये है 44 वोल्ट का फ्लैश चार्जर मिल जाता है और AMOLED स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन दोनों के अंदर सेम ही है क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसमें 120 हर्ट्ज है, इसमें 60 हर्ट्ज है, तो AMOLED होने के चांसेस है दोनों में सेम हो जाती है। प्रोसेसर भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है। अब IQ के प्लस पॉइंट बताता हूँ, इसके अंदर 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और प्रोसेसर उससे भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोसेसर है। और इसमें अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जिससे मोबाइल हीट वगैरह नहीं होता। तो गाइस दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा गेमिंग वगैरह करनी है तो G6 लाइट आपके लिए बेहतरीन होगा, और ज़्यादा फास्ट चार्ज वगैरह करना है तो T1 सही होगा। लेकिन गाइज अगर आप चाहते हो इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट करें तो कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल कैमरा टेस्ट करके बताएंगे आपको। अगर